सीजन्स कितने टाइप्स के इंग्लिश में करा जाए तो कौन कौन से बताइए विंटर समर रेनी ऑटम स्प्रिंग हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और हमारे प्राचीन काल गणना के हिसाब से और मौसम के हिसाब से ऋतुओं को छह भागों में बांटा गया छह ऋतुएं कौन कौन सी है सबसे पहली है वसंत ऋतु कौन सी ऋतु है वसंत ऋतु जो अब शुरू हो चुकी है ना वसंत ऋतु अभी कल से प्रारंभ होगी वसंत ऋतु जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग सीजन है ना वसंत के बाद में आती है कौन सी आएगी ग्रीष्म समर सीजन स्प्रिंग के बाद में समर आएगी जिसको बोलते हैं ग्रीष्म गर्मी का मौसम ठीक है तीसरी सीजन कौन सी आएगी गर्मी के बाद में वर्षा रेनी सीजन और वर्षा के बाद में शरद ऋतु यानी सर्दी से थोड़ा सा पहले का टाइम ठीक है ऑटम ऑटम के बाद में क्या आएगा हेमंत जो आपने नाम नहीं सुना होगा पांचवी ऋतु है हेमंत ऋतु क्या बोलते हैं उसको हेमंत ऋतु और हेमंत ऋतु के बाद में आती है विंटर जिसको हम शिशिर या शीत ऋतु शीत तो सबसे पहले वसंत वसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु शरद के बाद में हेमंत और हेमंत के बाद में शिशिर या शीत जिसको आप विंटर बोलते हैं और हेमंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्री विंटर हेमंत ऋतु मतलब विंटर से पहले प्री विंटर जिसमें हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू होती है घर में रजाई कंबल स्वेटर निकलने लगते हैं अभी तो कड़ाके की ठंड है ये तो आपकी शिशिर है शीत ऋतु है ना और इससे पहले जो थी दीपावली के आसपास वो क्या होती है हेमंत ऋतु यानी प्री विंटर और उससे पहले ऑटम शरद ऋतु ठीक है तो ये छह ऋतुएं हमारे कैलेंडर के हिसाब से और भारत में छह ऋतुएं और एक बात और है केवल भारत ही वो देश है जहाँ पे इतनी ऋतुएं होती है मौसम छह बार चेंज होता है बाकी आपने ऐसे देश देखे और सुने हैं जहाँ 12 महीने ही बर्फ ही जमी रहती है अंटार्कटिका भी है आप अगर यूएस में जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वहां पे बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ में ढका हुआ रहता है फिर अगर आप रशिया जाएंगे रूस अपने ऊपर ही है रशिया में भी बर्फ ही जमी रहती है हमेशा वहां पे शीत ऋतु रहती है ना या कुछ ऐसे देश हैं जहां गर्मी गर्मी दुबई अगर आपने सुना होगा तो दुबई के अंदर पूरे 12 महीने गर्मी ही रहती है ठीक है कभी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन गर्मी ही रहती है ठीक है इसी तरह से कुछ ऐसी जगह जहां बारिश ही बारिश होती लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे छह बार ऋतुएं अपना रंग बदलती है